अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम धर्मशाला में 15 सितंबर को भारत और दक्षिणी अफ्रीका टीम के बीच खेले जाने वाले T20 मुकाबले के लिए भारतीय टीम आज अपने पूरे दल बल के साथ में कोहली ग्रेग पूरी तरह से ऊर्जावान नजर आई। इससे पहले 9 सितंबर को साउथ अफ्रीका की टीम धर्मशाला पहुंच चुकी है और बीते 4 दिनों में HPCA स्टेडियम में मुकाबले को अपने पक्ष में करने के लिए खूब पसीना भी बहा रही है। हालांकि बीच बीच में टीम के खिलाड़ियों द्वारा धर्मशाला की कई जगहों की आउटिंग भी की गई है। फिलहाल दोनों ही टीमें धर्मशाला के मशहूर होटल पवेलियन में ठहरी हुई हैं। इन दोनों टीमों की सुरक्षा में कांगड़ा पुलिस की ओर से कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही है। हवाई अड्डे से भी टीम इंडिया को भारी सुरक्षा के बीच होटल द पवेलियन में पहुँच चुकी है। जब टीम इंडिया कांगड़ा एयरपोर्ट पर पहुंची तो उस वक्त अपने चहेतों के एक झलक पाने के लिए टीम के फैन का भारी हजूम एयरपोर्ट पर जमा रहा। खिलाड़ियों ने भी अपने चाहने वालों को निराश नहीं किया और उन्हें ऑटोग्राफ देकर उनका मान बढ़ाया। वहीं टीम इंडिया जहां आज पहुंचने के बाद द पवेलियन होटल में आराम फरमाएगी, जबकि कल दोपहर बाद 2 से 5 बजे तक मैदान में पसीना बहाएगी। HPCA पदाधिकारियों ने टीम का भव्य स्वागत किया। इसके बाद टीम को सीधे धर्मशाला ले जाया गया। वहीं टीम इंडिया के हेड कोच रवि शास्त्री और कप्तान विराट कोहली शनिवार को मीडिया से बातचीत करेंगे। उल्लेखनीय है कि दक्षिणी अफ्रीका की टीम पहले से ही धर्मशाला में मौजूद है। सुरक्षा के हिसाब से स्टेडियम और शहर को 6 सेक्टरों में बांट दिया है। सेक्टरों को स्टेडियम का भीतर परिसर, बाहरी परिसर, स्टेडियम से 2 पवेलियन, ट्रैफिक बुन नाका आदि शामिल है। अडवाणी में बंद पड़ी निर्मित गौशाला को खोलने का विरोध करने वाले किसान नेताओं के घरों में गौ रक्षा समिति के पदाधिकारी 10 से 15 गौवंश इनके घरों में बांधेंगे। गौ रक्षा समिति के पदाधिकारियों ने यहां कुछ किसान नेताओं को दो टुक चेतावनी देते हुए कहा कि समिति इन नेताओं के घरों में गौवंश इस तरह से बांधेगी कि आगे इनकी देखरेख की सारी जिम्मेदारी इन नेताओं की ही होगी। लेकर लोगों की ओर से गौ रक्षा समिति की कमेटी का गठन किया गया। इसमें समिति के अध्यक्ष पद की कमान सुनील राणा को सौंपी गई, जबकि उपाध्यक्ष में बाबू राम रोशन लाल तथा कश्मीर सिंह शामिल हैं। इसके अलावा गौ रक्षा समिति का सचिव जगदीश लाल व कोषाध्यक्ष किशन चंद को बनाया गया है। इसके अतिरिक्त सदस्य में अरविंद चौधरी, मोहिंदर सिंह आंचल सिंह, बीना देवी व मोहल्ली राम शामिल रहे। समिति के अध्यक्ष सुनील राणा ने कहा कि कुछ छोटे मोटे नेता जो अपने आप को किसान बोल रहे हैं, वे इस गौशाला को खोलने के पक्ष में नहीं हैं और लगातार इसका विरोध कर रहे हैं। राणा ने कहा कि अब गौ रक्षा समिति ऐसे किसान नेताओं के घरों में पशुओं को बांधकर उन्हें मुंह तोड़ जवाब देने जा रही है, ताकि भविष्य में गौ वंश के नाम पर राजनीति न की जाए। राणा ने अडवाणी में निर्मित पिछले 2 वर्षों से उद्घाटन हो चुकी गौशाला का उदाहरण देते हुए आरोप लगाया कि इस गौशाला के नाम पर राजनीति की जा रही है, जिसे लेकर अब लोग चुप नहीं बैठेंगे। राणा ने कहा कि समिति के स्थानीय विधायक रमेश दवाला से गुजारिश है कि वे आवारा पशुओं के चलते लोगों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए उनके समर्थन में आगे आएं और गौशाला को खोलने में उनका सहयोग करें। वे समिति के पदाधिकारियों ने यहां 2 टुक शब्दों में स्थानीय विधायक को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि इस मामले को लेकर स्थानीय भाजपा विधायक गौशाला को लेकर लोगों का सहयोग नहीं करना चाहते और वे इस गौशाला के विरोध में है, तो खुलकर सामने आए ताकि आगे की बात जनता खुद आपके समक्ष रख सके। पुलिस महानिदेशक SR मंडी ने मध्य जोन मंडी की पुलिस लाइन में आयोजित SHO सम्मेलन में कहा कि मध्य खंड में कानून एवं व्यवस्था की स्थिति पूर्ण रूप से निरंतर में है। पुलिस बल ने आपराधिक घटनाओं का पता लगाने तथा अपराधों की रोकथाम करने में सराहनीय भूमिका निभाई है।
जिसने सामाजिक परिवर्तन की गतिशीलता को ध्यान में रखते हुए आधुनिक प्रौद्योगिकी एवं कानूनों की जानकारी के साथ बदलते आपराधिक परिवेश में संवेदनशीलता के साथ कार्य किया है। वर्तमान सरकार के कार्यकाल में पुलिस ने आधुनिक तकनीक से विभिन्न नई योजनाओं को समाज की अपेक्षाओं के अनुरूप प्रभावी रूप से सफलतापूर्वक लागू किया है। प्रदेश में कानून एवं व्यवस्था की स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है और लोगों को सुरक्षा करने के लिए पूरी तरह से सक्षम है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2019 में मध्यखंड में कानून एवं व्यवस्था अत्यंत संतोषजनक रही है। गत वर्ष में पंजीकृत अधिकतर लोगों को सुलझा लिया गया है, जिसके कारण आम जनता में पुलिस की कार्य प्रणाली के प्रति संतोष है। इस अवधि के दौरान बांग अफीम की खेती को नष्ट करने के लिए विशेष अभियान चलाए गए हैं। संयुक्त रणनीति विकसित करने व मांग व आपूर्ति को कम करने के लिए पड़ोसी राज्य के अधिकारियों के साथ समन्वय किया जा रहा है। शकोई के विरुद्ध आम जनता विशेषकर युवाओं के बीच जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। प्रत्येक पुलिस थाना स्तर पर नशा निवारण समितियों का गठन किया गया है। इन समितियों को पंचायत स्तर पर विस्तार किया जा रहा है, जल्द ही गांव स्तर पर इसे पहुंचाया जाएगा। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में नशे की समीक्षा पर कमेटी की जवाबदेही भी सुनिश्चित की जाएगी। ट्विटर और फेसबुक के माध्यम से मादक पदार्थों की तस्करी एवं दुरुपयोग रोकथाम के लिए कई जानी मानी हस्तियों ने जागरूकता अभियान में भाग लिया, जिससे काफी हद तक हम नशे पर लगाम लगाने में सफल हुए हैं। अब पुलिस ने स्कूल में कैंडिडेट योजना शुरू की है, जिसमें बच्चों को सामाजिक बुराइयों को दूर करने, देशभक्ति सिखाने और आदर्श नागरिक बनने के गुर सिखाए जाएंगे। चिन्हित स्कूलों को प्रति स्कूल इस कार्य के लिए 50,000 रुपए की राशि जारी की गई है।